हाय एवरीवन, आई एम ब्रह्मिका पासी एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आप सभी ने ये सारे कंपनीज के बारे में तो सुना ही होगा, BPCL, IOC, IRCTC, NTPC, पावर ग्रिड, गेल एक्सेट्रा। ये सारे कंपनीज ना PSU कंपनीज बोला जाता है। PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जहाँ पे काफ़ी सारा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, और ये जो भी कंपनीज रहती है वो गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज रहती है। अगर कोई भी कंपनी में 51% से ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट का है तो उसको हम PSU कंपनी बोलते हैं। गवर्नमेंट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों भी। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ PSU कंपनीज। फर्स्ट इज महारत्न, सेकेंड इज नवरत्न एंड थर्ड इज मिनी रत्न। महारत्न कंपनीज सबसे वैल्यूएबल कंपनीज होती है। महारत्न कंपनीज के कुछ क्राइटेरिया, सबसे पहला क्राइटेरिया है कि कोई भी महारत्न कंपनीज वो कंपनीज रहती है जो पहले नवरत्न कंपनीज हुआ करती थी, यानी कि नवरत्न कंपनीज प्रमोट होके महारत्न कंपनीज बनती है। सेकेंड क्राइटेरिया है कि उनका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर रहता है वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए पिछले 3 साल में, और एवरेज एनुअल नेटवर्थ रहना चाहिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है महारत्न कंपनीज का कि ये जो कंपनीज है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं ओनली अप टू 5,000 करोड़। सम ऑफ द महारत्न कंपनीज आर NTPC, ONGC, BPCL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। अगर नवरत्न कंपनीज की बात करें तो नवरत्न कंपनीज के भी कुछ क्राइटेरियाज है। सबसे पहला क्राइटेरिया है इट शुड बी मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी एंड शुड हैव शेड्यूल ए स्टेटस। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि कंपनी का जो MOU है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, शुड हैव रेटिंग सच एज एक्सीलेंट या वेरी गुड फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना है विदाउट गवर्नमेंट्स अप्रूवल, दे कैन टेक ओनली अप टू 15% ऑफ द नेटवर्थ और ₹1,000 करोड़। अगर कंपनी को कुछ भी स्पेंडिंग करना है तो दैट इज अलाउड ओनली अप टू 30% ऑफ द नेटवर्क, विच इज कैप टू 1,000 करोड़ रुपीज। सम ऑफ द नवरत्न कंपनीज आर HL, NMDC, MTNL, पावर ग्रिड एंड सो ऑन। मूविंग ऑन टू मिनी रत्न कंपनीज, दे आर डिवाइडेड इन टू 2 पार्ट्स, Category 1 कंपनी एंड Category 2 कंपनीज। मिनी रत्न Category 1 कंपनीज कंसिस्ट ऑफ NHPC, IRCTC, मजगांव डॉक, SJVN एंड सो ऑन। एंड मिनी रत्न Category 2 कंपनीज आर MECL, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड सो ऑन। नाउ लेट्स चेक व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन PSU कंपनीज। अगर PSU कंपनी के डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे जो मेजर स्टेक है वो गवर्नमेंट का है, इसीलिए ये सारी कंपनीज को ना गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्टली मानने पड़ते हैं, और इसी वजह से उनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होते हैं। सेकेंड मेजर डिसएडवांटेज है कि कंपनी ना ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करती है, जबकि उनके जो पीयर्स रहते हैं ना वो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ नहीं करते, वो मॉडर्न मेथड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल LIC ना वो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करती है अपने कस्टमर को रिटेन करने और उनके डेली ऑपरेशंस के लिए, जबकि उनका पीयर की बात करें जैसे कि HDFC लाइफ, वो मॉडर्न मेथड्स यूज़ करती है अपने कस्टमर को रिटेन करने एंड डेली ऑपरेशंस के लिए। एंड थर्ड मेजर डिसएडवांटेज है, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज रहती है ना वहाँ पे करप्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एंड उसकी वजह से उनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो हैम्पर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड ये जो भी गवर्नमेंट कंपनीज रहती है उनको विंडो ड्रेसिंग करना अपने वैल्यूएशंस का काफ़ी अच्छे से आता है, विच इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एनी PSU कंपनीज। अगर एडवांटेजेस की बात करें PSU कंपनीज की, तो सबसे पहला मेजर रीज़न है कि वो जो वैल्यूएशंस रहती है वो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल रहती है और काफ़ी लो प्राइस पे अवेलेबल रहती है। इसके लिए PSU कंपनीज काफ़ी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है कि वो इन्वेस्ट करें PSU कंपनीज में। और सेकेंड मेजर रीज़न रहता है कि जो उनका डिविडेंड रहता है ना वो काफ़ी अच्छा रहता है, यानी जो भी PSU कंपनीज रहती है ना वो मेजरली अपने प्रॉफिट्स को ना अपने इक्विटी होल्डर्स में बांट देती है। एंड मोस्ट ऑफ द PSU कंपनीज ना गिव आउट डिविडेंड 3 to 4 times in a year, एंड दैट्स वॉट मेक इट मोर अट्रैक्टिव।
अगर कंक्लूजन की बात करें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पीएसयू कंपनी शायद रिस्की हो सकता है इन्वेस्ट करना, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज है। बट अगर शॉर्ट टर्म में अगर पीएसयू कंपनीज की बात करें तो इट कैन प्रूव टू बी अ गुड कंपनी। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ रिस्की यू आर। इफ वी कंक्लूड, शुड वी इन्वेस्ट इन पीएसयू कंपनीज और नॉट? फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग इन पीएसयू कंपनीज, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज है। कभी भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए तो फिर पीएसयू कंपनीज तो डूबने वाली है। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो या पैसिव इनकम के पर्पस से देख रहे हो तो कुछ कंपनीज है जो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे रहती है एंड अंडर वैल्यूड रहती है। दिस कंपनीज कैन प्रूव आउट टू बी अ गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म। बट सारे पीएसयू कंपनीज अच्छे नहीं होते फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, फिर पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, क्योंकि पीएसयू कंपनीज 3 से 4 बार डिविडेंड डिक्लेयर करती है इन अ ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 things दैट विल गिव यू कि वाई टर्म इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट एंड क्यों आपको टर्म इंश्योरेंस आज ही करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं। बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए। बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे दी EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMIs चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 crore तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16,000 to 20,000 प्रीमियम पे। एंड यू ऑल आर अवेयर कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है एंड इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बट एज वी एज प्रीमियम गेट्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग टर्म इंश्योरेंस, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices, and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने description में meeting की link दी है। आपको सिर्फ वो link पे click करना और आपके time के according आपको meeting fix करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो consultation है वो एकदम ही free of cost है। तो जाके आज ही अपनी meeting book कर लो।